Hi. Afternoon. Hi, good afternoon. Yes. Hello, Shahid. Hello. Nice to meet you. मेरा आपसे सवाल है कि बताया जाता है कि जब इंसान मोहब्बत में होता है तो बहुत शिद्दत से करता है, लेकिन जब वो मोहब्बत नफरत में बदल जाती है तो उसमें भी शिद्दत की कमी नहीं रहती है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो बताओ। नफरत तो नहीं हो पाई पर मोहब्बत जरूरी है। एग्जैक्टली आई थिंक नफरत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आई थिंक कबीर का जो कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर, कबीर सिंह के अंदर, वो बहुत शिद्दत से प्यार करता है और जब दिल टूटता है तो वो अपने आप को खो देता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। लड़की से नफरत करना तो मुश्किल है, शायद अपने आप से नफरत करने लगता है। शाहिद, जैसे कि आपने देखा है कि आजकल मूवीज़ के रीमेक का ट्रेंड है, तो आपको लगता है कि व्यूअर्स ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं रीमेक से? एक मूवी पहले बन चुकी है लेकिन उसका रीमेक आया, जैसे अर्जुन रेड्डी का रीमेक है, तो आपको लगता है, उन्हें लगता है कि प्रीवियस मूवी से कुछ बेहतर इसमें देखने को मिलेगा, नए एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को करने पड़ते हैं, ऐसा है? जी, सबसे पहले तो मैं यूजुअली रीमेक्स करता नहीं हूँ, ये मेरे करियर की पहली रीमेक है, मुझे 30 फिल्में हो गई हैं मेरी। लेकिन इस फिल्म को सिर्फ यू नो वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स और बहुत ज़्यादा चल गई, ऐसे यूजुअली रीजंस होते हैं लोग देते हैं कि कर लो, यू नो। ओह सॉरी, प्लीज़ कम। सो लेकिन ये फिल्म ऐसी थी कि इसके बारे में मैंने ऐसी चीज़ें सुनी कि इसको ऑडियंस का बहुत प्यार मिला था, और कुछ लोगों ने कहा था कि ये कल्ट फिल्म है और दे वर वेरी अफेक्टेड बाय द फिल्म एंड यू नो इट वाज वन ऑफ देयर फेवरेट फिल्म्स। और जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, आई कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स, आई कनेक्टेड विद द फिल्म, इट स्टेड विद मी। ख़त्म होने के बाद भी मैं फिल्म के बारे में सोच रहा था, अगले दिन भी मेरे मन में फिल्म थी, उसके कैरेक्टर्स थे, उसके सीन्स थे। तो मेरी वजह ये फिल्म करने की ये थी दैट आई कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली विद द फिल्म, और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये तेलुगु ऑडियंस ने इस फिल्म को देखा है और मुझे मौका मिल रहा है कि पूरे देश के ऑडियंस तक मैं इस फिल्म को लेके जा सकूं, तो ये मौका मेरे लिए एक यू नो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और रोल भी ऐसा था कि एज एन एक्टर ऐसा लगा कि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। एज मच एज आई एंजॉयड द ओरिजिनल परफॉर्मेंस, मुझे लगा दैट अगर मुझे भी ये रोल करने का मौका मिल रहा है तो एज अ चैलेंज मुझे इसको करना चाहिए और अपने आप को यू नो इसमें ढालने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई बाकी को भी पूछने दो, ऐसा किरदार जो कि पहले ही स्क्रीन पर आ चुका है, काफी हिट भी हो चुका है, उसी किरदार को सेम करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट है? देखिए, इसमें चॉइस ये होती है कि एक तरफ तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यू नो कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ उठा के हमने सिर्फ ज़बान बदल के डाल दी, क्योंकि दैट विल नॉट बी अ करेक्ट थिंग टू डू। आपको ऑडियंस को एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ अलग बनने के लिए, अपनी आइडेंटिटी लाने के लिए आप बेकार में ऐसी चीज़ें चेंज कर दो जो शायद फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो वो भी सही नहीं होता है। तो जो चीज़ें बहुत फिल्म के यू नो फिल्म के सब्जेक्ट की गहराई में जाके वो उस सब्जेक्ट का हिस्सा हैं, उनको रिटेन करते हुए उनको फिर से एक नए अंदाज में प्रेजेंट करना होता है। तो कोशिश ये थी कि वो बैलेंस रहे। कियारा, हाय कियारा, राजेश फ्रॉम दिल्ली इंजीनियर। थैंक्स सर। अक्सर हिंदी फिल्मों में जो आपको जो एक्ट्रेस को जो स्टार्स मिलते हैं वो लगभग नेगेटिव रोल करते नजर आते हैं, तो शाहिद के इस रोल के हिसाब आपका इस फिल्म में कैसा जो था केमिस्ट्री, किस तरह से रही, क्या आप इनको कुछ सुधार रहे, किस तरह से था? अक्सर नेगेटिव क्या उन्होंने डिसाइड कर लिया। ये कबीर के कॉलेज के प्रिंसिपल। आई थिंक ये आप सिर्फ 21 जून को जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। बट कबीर, आई थिंक हर इंसान में कुछ स्ट्रेंग्स होते हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं। हम नानावासा ब्लैक एंड वाइट और वाइट, वी ऑल हैव यू नो आर गुड क्वालिटीज एंड आर बैड क्वालिटीज, बट दैट डजंट मेक अस बैड पीपल। So जो कबीर भी एंड फॉर प्रीति ऑल्सो फॉर दैट मैटर, आई थिंक वट एवर दे गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ, इट्स द सिचुएशन, माहौल ऐसा है, या फिर यू नो वट्स हैपनिंग इन देयर लव स्टोरी, देयर इज नो परफेक्ट लव स्टोरी ईदर, यू बीन इन लव, आई हैव बीन इन लव, ऑल ऑफ अस हियर हैव एक्सपीरियंस्ड इट समवेयर, बट इट्स नेवर सो ईजी एंड सो परफेक्ट, यू नो, एंड दैट्स वट द फिल्म, यू नो दैट्स वाई द फिल्म इज सो रिलेटेबल एंड यू कैन कनेक्ट टू इट, बिकॉज It is as it is in real life. Shahid, जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो पहला जो वर्ड आया माइंड में मॉडर्न डे दास टाइप, तो उससे कितने डिफर है मतलब कबीर सिंह
ये आप डायरेक्टर से पूछो. He thinks it's like a modern Devdas. It's a compliment. Yeah, you tell me after the release you see and you tell me what you feel. No, but that's a compliment. I mean, that's, you know, it's a compliment because Devdas एक classic film थी, एक self destructive आदमी की कहानी थी जो अपने प्यार को नहीं भूल पाता और it's one of my all time favorite films. तो कहीं अगर आप बहुत जेनेरिक लेवल पे देखें तो आप कह सकते हैं कि हाँ देर आर सम पैरेलल्स दैट यू कैन ड्रॉ, बट ऐसे तो यू नो लाइक दिस से कि देर इज़ नो स्टोरी विच हैज़न्ट बीन टोल्ड ऑलरेडी. हर डायरेक्टर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अलग नज़रिया होता है, उनका स्क्रीन प्ले अलग होता है, उनका कैरेक्टर स्केच अलग होता है, उनके डायलॉग्स अलग होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अलग होता है, कैरेक्टर का एटीट्यूड अलग होता है. तो यू नो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ओरिजिनल हैं और अलग हैं और नई हैं, शायद इसलिए मुझे फिल्म इतनी अच्छी लगी थी. लेकिन कैरेक्टर की कम्प्लेक्सिटी जो है वो डेफिनेटली इस फिल्म के अंदर है और वही सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है मुझे ऐसा लगा इस फिल्म के बारे में, इस रोल के बारे में. थैंक गॉड यार, है ना, आई थॉट आई बीन थ्रोइंग थिंग्स एट यू राइट नाउ. Well, that's what we do, no? That's our job, that we have to play different people who are nothing like us and try and create something which is fictional into making people believe that this is actually happening. I mean, that is what this job is all about. Shahid, my question is, from someone you prefer, ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग नशे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ट्रेलर में देखा गया है कि आपको भी कैरेक्टर बहुत तरीके का है, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपने उड़ता पंजाब नहीं देखी? नहीं, लेकिन ये बात कहना कि ब्रेकअप के बाद लोग ऐसी डायरेक्शन में चले जाते हैं सही नहीं है. किसी भी वजह में, इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, कभी कभी लोग क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, दोस्तों के प्रेशर में, तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से या लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं या कुछ और सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है वो फिल्मों के थ्रू दिखाना ज़रूरी है. इस फिल्म की कहानी जो है वो एक लव स्टोरी है और ये एक छोटा सा फेज है उस कैरेक्टर की लाइफ में. तो आपके लिए चैलेंजिंग कौन सा था, टॉमी या फिर कबीर? क्यों मैं अपने बच्चों के बीच में चूज करूं? आई लव बोथ ऑफ देम वेरी मच. हेलो सर, मैं निगरानी 24 से हूं. सर, हम जब स्टार्टिंग में आपकी अर्ली डेज की मूवीज देखते हैं, चाहे वो दिल मांगे मोर हो, इश्क विश हो, तो उसमें आप एक रोमांटिक हीरो की तरह आते हैं, चॉकलेट की बॉय की तरह. लेकिन अब आप, तुझे भी मेरे अंदर चॉकलेट दिखाई देता है, हैं? मुझे लगा सिर्फ लड़कियों को ऐसा फील होता होगा, तुझे भी चॉकलेट दिखाई देता है. रिसेंटली कुछ सालों की मूवी है जैसे हैदर हो गई, जब मैं हैदर देखता हूँ तो उसमें वनीला हो गया, क्या हो गया? शाहिद कपूर देखता हूँ. तो सर, आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे आपको कितना मजा आ रहा है, आप बताएंगे? अच्छा मजा आ रहा है. So the people who are killing people in movies, they kill people in real life, or what? But I'm asking ki, how was the experience of kitna difficult tha to play a drug addict or alcoholic? In this film, he's an alcoholic. या उसकी तो प्रमोशन हो गई है, कबीर सिंह की प्रमोशन करते. ऑफ कोर्स यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच इज सो फार अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस पर्सनली, इट फील्स वेरी स्कैरी. यू फील यू नो इट्स लाइक ओमिनस, बट यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ एंड ट्राई एंड एंटर एरियाज व्हिच आर अनकम्फर्टेबल. इफ़ यू कीप डूइंग रोल्स वेयर यू आर फीलिंग कम्फर्टेबल, इट मीन्स रियली यू आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग न्यू, यू रिपीटिंग योर सेल्फ. सो ओनली वैन यू डू अ रोल विच मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल एंड यू फील अनश्योर अबाउट हाउ यूल डू इट, यू नो यू ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ओरिजिनल, एंड वैन इट्स सो फार अवे फ्रॉम योर रियलिटी, दैट बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज, यू नो. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई एम थैंकफुल दैट पीपल कंसिडर मी केपेबल ऑफ बींग एबल टू पुल ऑफ अ रोल लाइक दिस, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डिस्कवर समथिंग न्यू एज एन एक्टर विद इन माई सेल्फ. हाँ है, कुछ कुछ ऐसा है. आई मीन सिंस आई रोट द स्टोरी, सो देयर इज अ पार्ट ऑफ मी इन कबीर एंड अर्जुन. यार शायद आप अपने आप को कितना कबीर सिंह में आपका कितना बैठा है, हाउ मतलब कैसे देखेंगे आपने एज शाहिद को, क्या दिखेगा उसमें कबीर सिंह में? सवाल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप क्या पूछ रहे हो? कबीर सिंह में शाहिद नहीं दिखेगा, दैट इज़ माई होप कि उसके अंदर सिर्फ कबीर सिंह दिखाई दे, यू नो. सर, जैसे
कि उन्होंने पूछा वैसे कुछ सवाल मेरा है कि जैसा आपने कबीर के बारे में सोचा था शाहिद को आपने कितना परसेंट उस पर लिखा या 100%? या 100% मैम, हाँ रिलीज से एक दिन पहले कोई 80 भी नहीं बोलेगा, 100 ही बोलेगा। शायद व्हाट वाज द गुड और बैड पार्ट गेट इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर यू हैव सीन? द बैड पार्ट इज नथिंग इज बैड मैन, आई मीन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई एम गेटिंग टू प्ले अ कैरेक्टर व्हिच इज सो कॉम्प्लेक्स, इट्स सो यू नो, इट्स सो फ्लॉड येट इट्स सो वल्नरेबल एंड देयर इज सो मच पैथोस इन द कैरेक्टर. Why is anything bad? My job as an actor is to represent the life of a man. Whatever that man does has to become mine. So I cannot view it as good and bad. You know, there is no good and bad. It needs to be represented correctly. Are you missing that beard? Am I missing the beard? Sometimes I do this and I realize yeah, kuch hai hi nahi. So apart from that, I'm fine. Hello sir, my name is Shreya. I wanted to ask in one of the articles interviewed, you said that it was a very challenging role and it was difficult to come back home. So how did you with these elaborate? By car. Sorry? I sat in a car, it got me home. Yeah, so what were the but when I've answered this again, why are you asking the same question? Ask something new, no? Hi. Hi. Jam Sindhi, talented and Mavi Sindhi. Jai Sindhi. Thank you. So I read somewhere that Shahid Kapoor and I had no idea that we will be ending up doing this Kabir's thing. Yes. So may I know that please? Like, so we had done a music video before that called Urvashi. I'm not sure if you've seen it. But at that time, someone asked me, was it a build up to the movie? And when we did the music video, we didn't know that I'd be cast in Kabir Singh with... I don't even think Kabir Singh was happening at that time, so it was not out in the news yet. So yeah, that's... Shahid, this film ka Bekhayali jo song hai, wo kaafi achha hai, aur aapka bhi mujhe lagta hai favorite hai is film ka. So, kuch aap agar do line humare liye gungunana chahe. Arre, kya baat kar rahe hain? Thank you. Singer thode hai, sir. Thank you. कल को अगर मुझे ब्रेक मिलने वाला होता आज आपने खत्म कर दिया. ये सिंगर थोड़ी है, क्या बात कर रहे हो. आवाज सुनिए कभी इनकी. हाँ, अरे पहले आप सुनाइए. आप गा लीजिए, सुनाइएगा. नहीं नहीं, आप गाना देखने के लिए यूट्यूब पे जाइए या फिल्म में जाइए. अभी दो दिन में रिलीज होगा. आपने कहा कि आपका कैरेक्टर काफी डिफरेंट, आपका जो काफी डिफरेंट है कबीर सिंह जी, लेकिन अगर कोई एक चीज है जो आप रिलेट कर पाते हैं कबीर सिंह से तो क्या है? बहुत सारी चीजें हैं एज फार एज रिलेटेबिलिटी इज कंसर्न्ड. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. आई थिंक कबीर की जो क्वालिटी है, वेर ही इज वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग दैट ही डज. वो ऐसे ही तो नहीं हो सकता कि कोई अपने कॉलेज का सबसे अच्छा स्टूडेंट भी हो और कोई स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा हो और कोई इतनी पैशन के साथ किसी से प्यार करे. ही मस्ट बी समबडी हु इज वेरी पैशनेट फ्रॉम इनसाइड एंड जो भी करता है वो अपने पूरे दिल से करता है. आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू अबाउट कबीर. थैंक यू. कियारा जो है इस फिल्म के अंदर, उन्होंने झंडे गाड़ दिए और बुक के कवर पे कबीर है. बुक खोलोगे तो क्यारा 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 क्यारा. She's killed it. See, today's mother, she's killed it.